नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ये ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल रह चुके थे। इनके बारे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी से कई क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी जो कि 1948 से लेकर के 1956 तक गवर्नर जनरल थे, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849। जगत प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था 29 मार्च 1849 को, और जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। तो ये सब कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय हुए थे। सेकंड देखते हैं, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान तीन युद्ध लड़े गए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान तीन युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 जो कि अनिर्णित था। दूसरा चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को, ये भी अनिर्णित था जिसका रिजल्ट नहीं निकला। तीसरा युद्ध गुजरात चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 का हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। उसके बाद द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध सन 1852 में लोअर वर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया है। ये सब कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय हुए। डलहौजी ने सिक्किम पर दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। तो डलहौजी ने सिक्किम पर दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उसे छीनना था। तो इनाम कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1852, लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगत सिद्धांत। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल उसके व्यापगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। सर्वप्रथम सतारा 1848, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जितने भी राज्य दिए गए हैं किस सन में दिए गए हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सतारा 1848 में, जैतपुर बुंदेलखंड और संभलपुर उड़ीसा 1849 में, बघाट जो कि हिमाचल प्रदेश में था 1850 में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। एक बार फिर से, सर्वप्रथम सतारा 1848 में, जैतपुर बुंदेलखंड और संभलपुर उड़ीसा 1849 में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। सन 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। तो सन 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। उसके बाद सन 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ
हस्तांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। सन 1854-56 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ हस्तांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया। तो वुड डिस्पैच कब लागू हुआ था? 1854 में डलहौजी के समय। इसके अनुसार जिलों में एग्लो वर्नाकुलर स्कूल प्रमुख नगरों में अंग्रेजी कॉलेजों तथा 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता मद्रास एवं बम्बई एक एक बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। तो शिक्षा के संबंध में डलहौजी ने कई कार्य किए थे, जिसमें शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एग्लो वर्ना स्कूलर स्कूल प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए तथा साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति किया गया। उसके बाद डलहौजी को भारत का रेलवे का जनक माना जाता है। तो रेलवे का जनक कौन था भारत के? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में रेलवे डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। तो इसमें से दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं। जैसे पहला, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को। और पहली बार कब चली थी भारत में? तो 16 अप्रैल 1853 में बम्बई में से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया। तो लॉर्ड डलहौजी के समय कई महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। तो लोक सेवा विभाग की स्थापना कब हुई? 1854 में। इसी के समय 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। तो लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 में चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। जिसके लिए उम्र 18 से 23 वर्ष रखी गई। तो 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र 18 से 23 वर्ष रखी गई। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत और लंदन दोनों स्थानों पर के साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजन किया गया। तो भारत में इलाहाबाद में पहली बार 1922 में
लंदन के साथ ही दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजन किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। तो इस तरह हमने लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ा। तो लॉर्ड डलहौजी के समय क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे इनके बारे में पढ़ा। अब अगली वीडियो में हम और दूसरे जो गवर्नर जनरल हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस सन में हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लाइस के अंतर्गत डलहौजी ने अपने शासन अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो 1853 में झांसी को और 1854 में नागपुर को, 1852 में मध्य प्रदेश के उदयपुर को, 1850 में बघाट को। तो इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इसको आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।